हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ गोविंद और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैक्सिमम लोग डर डर के कंपनियों में काम करते हैं। क्यों भाई, क्यों डर के काम करते हैं? कुछ तो कमी है आप में। क्या कमी है मैं बताता हूँ अभी आपको। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों डरते हैं भाई, क्यों डरते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहला रीजन है आपका डरने का कि आपको जानकारी नहीं है। दूसरा रीजन है कि आप काफी ज्यादा पैसे ले रहे हैं। और तीसरा रीजन ये है जो आप कंपनी के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और कोई डर नहीं है। एक चीज और है कि आपका आपके जैसे हजारों लोग हैं तो आप आपको डर रहेगा, हमेशा डर रहेगा। तो इस डर से निजात लेना है। प्राइवेट नौकरी का मतलब ये नहीं होता है कि आज यहाँ कल यहाँ, ऐसा नहीं होता है। कब होता है? अपने मर्जी से होता है, अपने मर्जी से कीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आज यहाँ पे है, एक कंपनी निकाल दी, फिर उस कंपनी में गए, वो कंपनी निकाल दी, ऐसा तो आपकी कमी की वजह से होता है। क्यों आप अपने में कमी रखते हैं? देखिए, अपने आप को ग्रोथ करना है, ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ाना है और डर से दूर रहना है तो सबसे पहले अपनी स्किल्स को पहचानिए, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि आपका स्ट्रेंथ किस में है। आपका जिसमें स्ट्रेंथ है, कंपनी को क्या उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है और कितने कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है आपके स्ट्रेंथ की, ठीक है। और आप अगर आपका मान लीजिए कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं उस वर्क को बहुत बेटर जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अंदर तक जानते हैं उस वर्क के बारे में, फिर कंपनी आपको क्यों बाहर निकालेगी और आपको क्यों डर रहेगा? आपके लिए तो हजारों जॉब पड़े हैं। फिर अगर आपको जानकारी अच्छी है तो आपके लिए तो हजारों जॉब पड़े हैं, ठीक है। तो आपको आपको डर रहेगा ही नहीं। सबसे पहले डर को भगाना है तो सबसे पहले आप अपने को मजबूत कीजिए, अपने आप को पूरा स्ट्रेंथ फुल कीजिए। जिस भी फील्ड में है उस फील्ड का डीपली नॉलेज लीजिए, पूरा एक एक नट नट बोल्ट बोल्ट का पूरा जानकारी ले लीजिए, ठीक है। तब जाकर के आपके अंदर कभी भी डर नहीं आएगा, क्योंकि जो भी वहाँ पे जो भी सैलरी में आप काम कर रहे होंगे उस सैलरी को बहुत सारी कंपनियां आपको ऑफर कर देंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जानकारी है, अच्छी जानकारी है। इस चीज को जरूर अपनाइएगा, किसी से भी दुश्मनी मत कीजिएगा, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, सभी का रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि कल को आपका जूनियर ही कहीं ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा कि जहां पे उसकी कंपनी में अच्छी रिक्वायरमेंट्स हो, उसको भी मतलब कहीं ऐसा आएगा कि मैं किसी को ऑफर कर दूं, किसी का लिंक दे दूं, तो शायद अगर आपका व्यवहार उसके साथ अच्छा रहेगा तो आपका आपका कंटेक्ट करवा देगा, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब ऐसी होती है भाई, कंपनी अपनी नहीं होती है, सबसे पहली बात यह है, ठीक है। कंपनी के वर्कर को खुश रखिए, किसी भी पोस्ट पे हैं आप, ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है लेकिन अपने साइड से गलत मत होइए। जो है हक आपका वो अपना हक पूरा कीजिए, लेकिन अपने साइड से अपने मुंह से कभी गलत मत होइए, ठीक है। और जॉब जॉब प्राइवेट जॉब बहुत सारी कंपनियां हैं, बस आपको जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका फोकस आपको अपने नॉलेज पे रहना चाहिए, जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में पूरा डीपली नॉलेज हो, ताकि किसी भी कंपनी में जाएं तो आप फुल्ली फुल्ली कॉन्फिडेंस रहे आपका। भाई आज चलो नहीं अच्छा लग रहा है, कहीं और जाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर मेंटली फ्री रहना है तो कभी भी सैलरी बहुत ज्यादा मिल जाए तो उतना सही नहीं रहेगा वहां पे ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारा टेंशन रहेगा आपको, ठीक है।
वो अलग बात है कि आपके ऑनर का है, आपके ऊपर के पोस्ट वालों को उतना फिक्र नहीं रहेगी आपकी सैलरी का, लेकिन आप खुद के ही उसमें पड़ जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका लेवल है, जैसे जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत मैक्सिमम में जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम में मत जाइए, क्योंकि आप ही टेंशन में रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहेंगे और काम भी अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए, और प्राइवेट जॉब मतलब टेंशन नहीं होता है, मतलब टेंशन फ्री होता है। ठीक है, अगर आप अच्छी जानकारी ले लेते हैं और अच्छा फील्ड पकड़ लेते हैं, तो बहुत हद तक आप गवर्नमेंट को टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, और कोशिश ये कीजिए, हमेशा एक जॉब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बात करके रखिए बराबर, अगर फुल्ली फ्री रहना है तो कहीं ना कहीं। और आप मतलब जो होता है कि जाल वैसा बिछा के क्योंकि आपके रखिए, साथ ऐसा रहेगा कि यहाँ पे नहीं जाएंगे तो अरे यहाँ पे चले जाएंगे, ये कंपनी बुला रही है, उस कंपनी में रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा है वैसा, ऐसा फैला के रखना पड़ता है टेंशन फ्री रहना है तो, और खुल के जॉब करना है तो बिना डर के। डर डर के जॉब मत कीजिए, डर डर को निकालिए आप, और उसका उसको निकालने का एक ही तरीका है कि आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में पूरा डीपली नॉलेज लीजिए, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़े या थोड़ा बहुत सुनना पड़े या मतलब कुछ गलती भी करना पड़ जाए तो कीजिए, लेकिन डीपली नॉलेज लीजिए। 1 से 1.5 साल से 2 साल लगेगा, डीपली नॉलेज लीजिए, पैसा भी अच्छा मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी और डर भी नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लेके आते रहते हैं। और रिक्वायरमेंट्स है, 3 रिक्वायरमेंट्स है पीवीसी का, अगर पीवीसी में कोई भी लड़का इंटरेस्टेड है जिसके पास 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फुल ट्रेंड है, यूपी में भी रिक्वायरमेंट्स है और हैदराबाद में रिक्वायरमेंट्स है, तो जिसको जाना हो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।